चलो तो बाय, मिलते हैं फिर। हे गाइस, तो वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू व्लॉग। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। तो गाइस, अभी हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर गन्ने का रस, और यहाँ पर काफ़ी कैफे टाइप मस्त बना हुआ है। कैलाश रेस्टोरेंट का पूरा है, मतलब ये देख रहे हो आप, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से लेके रबड़ी वगैरह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये देखो मैडम बहुत थक गई हैं। मैडम आप रिलैक्स फील हो रहे हो? बहुत रिलैक्स फील हो रहे हो? लेकिन ये है इतनी गर्मी के बावजूद इतनी गर्मी लगी नहीं। हाँ, बिकॉज काफ़ी ऊपर है इसलिए गर्मी इतनी ज़्यादा लगी नहीं हम लोगों को। तो अभी गन्ने का रस रेडी हो रहा है, फिर उसको पीते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं अपन गुरु शिखर। गन्ने का रस इसे पीते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं। तो आप लोग भी यहाँ आइए। तो यहाँ पर आंचलगढ़ फोर्ट आपको यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग में ये शॉप बना हुआ है। सो गाइस, अभी हम लोग कैलाश रेस्टोरेंट में ही हैं और हमने मतलब खाना खाना है, मतलब खाना क्या नाश्ते करना, नाश्ता टाइप ही हो गया। तो हम लोग सुबह से मतलब ब्रेकफास्ट करके निकले हुए थे होटल से, देन अब यहाँ पर ये देख रहे हो, अभी मैंने एक मसाला डोसा ऑर्डर किया है और शिवानी ने किया पाव भाजी ऑर्डर, जो कि वहाँ से हमारे लिए आने वाली है। और भाव बता दूँ गाइस, तो भाव यहाँ पर तो मतलब थाली वाली का काफ़ी ज़्यादा भाव है। देखो पंजाबी थाली यहाँ पर 250 रुपये की गाइस, मतलब बहुत महंगा है। तो इसलिए हमने मसाला डोसा और पाव भाजी का ऑर्डर दिया, दोनों 90-90 रुपये के हैं। तो सही है, मतलब इतना हैवी करना भी नहीं है वरना नींद आ जाएगी। तो हाँ, लाइट लाइट करते हैं, फिर शाम को करेंगे मस्त किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे अच्छा, और फिर तो सोना ही है उसके बाद। तो क्या बोलती है शिवानी? और क्या, यस, क्योंकि हम लोग इतने थक चुके हैं कि इतनी अच्छी नींद। शिवानी बहुत जबरदस्त थक चुकी है गाइस। मैं सोच रही हूँ कि वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। नहीं नहीं वहाँ जाना है, अभी जाना है दोस्त। अरे पब्लिक वेट कर रही है अपना, यार अपने जाएंगे तभी तो देखेंगे वो लोग। गाइस वेट कर रहे हो ना आप लोग, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो ये आ चुकी है गाइस शिवानी की पाव भाजी, तो ये तो हैप्पी हो गई और बहुत टेस्टी लग रही है। यस, मास्क उतार के खाओगे? हाँ, मास्क लगा ही रहता है कहीं काली ना हो जाए थोड़ी भी। हाँ, तो काली क्या? हाँ बड़ी वो। और मेरा डोसा भी तो लग, शायद अभी हाल भैया देखो दिख रहा है आपको, अभी हाल पानी का तड़का मारा तवे पे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। तो मेरा डोसा भी बन के आएगा। तो ये आ गया अपन का डोसा, पहुंचने वाले हैं अभी। ये देख रहे हो गुरु शिखर ऊपर ही है यहाँ पर, और हम लोग काफी ऊपर आ चुके हैं। देख रहे हो नीचे इधर साइड कितना जबरदस्त सीन है, मतलब नीचे, और काफी मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये तो शिवानी थोड़ी गुस्सा होती है मुझसे। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आता हुआ बहुत ही खतरनाक वाला, तो गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। और हम लोग अभी देखिए टर्निंग पॉइंट अगेन, बाइक और यार डर भी बहुत लग रहा है। ये देखो रास्ते, देखो देखो नीचे कुछ दिख नहीं रहा, इतना ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए गाइस बिल्कुल फॉग, ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के अंदर हो। सीरियसली यही फीलिंग आएगी, और आप लोग आओगे तो आपको भी यही फीलिंग आएगी। What a fantastic! तो फाइनली दोस्तों आ गए हम लोग गुरु शिखर, और ये देख रहे हो ये है गुरु शिखर, जो कि समुद्री लेवल से 1722 मीटर ऊपर है और माउंट आबू से 14 किलोमीटर दूर। काफ़ी फेमस और बहुत ही अच्छा प्लेस, और इसकी गाइस बता दूँ तो यहाँ पर शांति भी बहुत ज़बरदस्त है, और आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हो कितना, मतलब पूरे माउंट आबू को यहाँ से आप देख सकते हो। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अरावली रेंज में आती है। उधर साइड हमने गाड़ी पार्क वगैरह करी है, और फिर चलते हैं अपने मंदिर के अंदर और अंदर बताते हैं। तो गाइस ये देखो, ये है मंदिर का गेट जहाँ विष्णु भगवान की पूजा होती है गाइस मंदिर में। आगे शायद फोटोग्राफी करना मना हो। सो गाइस फाइनली घूम लिया हम लोगों ने गुरु शिखर, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे साइड और जाएंगे वापस होटल, और फिर शाम को मतलब होटल में मतलब
पाँच तो बज गया, होटल पहुँचते पहुँचते में 6 बज जाएंगे आप, फिर आधा एक घंटा रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे नक्की लेक हम नक्की लेक घूमने। और शिवानी बहुत ज़्यादा थक गई है, अभी थोड़ा ऊपर गुरु शिखर के थोड़ा भी ऊपर जाना था, मतलब थोड़ी ऊपर, तो वहाँ भी जाने के लिए मना कर दिया इसने, बोला नहीं जाना। अरे वो जीने इतने सारे मैं सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थक गई शिवानी बिल्कुल। हाँ 280 सीढ़ी है गुरु शिखर टेम्पल से, थोड़ा और ऊपर जाना है। तो बस गाइस बहुत मज़ा आया, आज का दिन तो ख़त्म होने आया आई थिंक, और कल का दिन है हमारे पास, उसके बाद फिर घर पे बैक, फिर मंडे से जॉब। तो मंडे से जॉब शॉप वगैरह है गनों की, देखो पेंटिंग वगैरह, फिर चश्मे वगैरह, मतलब ये सब तो आपको हर जगह मिलने वाला है, कहीं भी जाइए आप। तो ये चप्पल जूतों की शॉप, फिर ये छोटा सा काफे कृष्णा रेस्टोरेंट, ये रहा पोलो रेस्टोरेंट। तो आप गुरु शिखर आओ तो आप यहाँ पर भी नाश्ता वगैरह कर सकते हो। सो गाइस इधर है गुरु शिखर, जैसे कि हम लोग जाके आए वहाँ पर अभी, तो अभी मैं और शिवानी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो मैं आपको नीचे का व्यू दिखा दूँ, बिकॉज धूप ज़्यादा है। मैं सोच रहा था ज़्यादा, मतलब जब आ रहा था तो मैं थोड़ा साथ टाइम दिखाऊंगा, बट अभी भी धूप कम नहीं हुई और हम लोग जा रहे हैं नीचे, तो आपको मैं सारा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का कैसा क्या है। तो आप देख रहे हो अभी वो रोड है, देखो वहाँ पर दिख रहा है, उसके और उस साइड देखो अब नीचे घर वगैरह दिख रहे हैं, तो हमको और नीचे जाना, अभी हम काफ़ी पहाड़ पर ऊपर है, और उधर दिख रहा है ना आपको, सबको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, वो है आबू रोड, मतलब कि काफ़ी ऊपर है हम लोग, काफ़ी पहाड़ पे हैं, काफ़ी ऊंचाई पे हैं। और इधर मैडम पानी पीते हुए थोड़े नाराज़ थे मुझसे, देखो हंसते हाल देते हैं, देख रहे देखो आज तो मतलब कत्ते ही जहर वाला सिस्टम हो गया इनका। तो अपन चलते हैं नीचे, और मैडम के एक दो फ़ोटो खींच दूँ स्कूटी के साथ, उनको चलाने नहीं आती लेकिन उनके खींच रहा हूँ फ़ोटो। मैडम बैठ जाइए, मैं आपको खींच लेता हूँ। तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं शूटिंग पॉइंट, तो यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है सामने शूटिंग पॉइंट, और व्यू दिखाता हूँ आपको यहाँ पर फोटोज़ वगैरह आप लोगों ने तो काफ़ी अच्छे आएंगे, यहाँ बैठ के पोज दो, और सामने पहाड़ मतलब काफ़ी मस्त फोटो आते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखो लोग काफ़ी सारे यहाँ पर आए हुए फ़ोटो खींच रहे हैं, अपन भी एक फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पर। ये देखो शिवानी फोटो खींचे, यस तो अपन एक दो फोटो खींचते हैं, ये बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से, फिर चलते हैं। तो यहाँ बैठ के हम लोग खींच रहे अपन के फोटो, व्हाट्सअप शिवानी, सूरज सामने आ रहा है, कुछ देख नहीं रहा है मेरे को, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फोटो जो है बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मजा, बहुत मस्त आ रही है, मतलब फोटो एकदम जबरदस्त वाली, सनसेट भी यहाँ से अच्छा दिखता होगा। ये देखो सामने है, और शूटिंग पॉइंट तो इसका नाम ही है, ये देखो शुरू हो गई शिवानी यहाँ पर भी। चले मैडम रात हो रहा है, फिर चलते हैं अब नीचे, और भी कुछ करना है। ये है गाइस एडवेंचर पार्क, नेचर एडवेंचर, तो यहाँ करेंगे थोड़ा सा फन। तो यहाँ पर होती है सब राइडिंग, अपन अब अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं कौन कौन सी राइडिंग है यहाँ पर, जिप लाइन और हॉर्स राइडिंग, ये दो तो मुझे याद है, और भी काफ़ी सारी राइडिंग है जो करने में मज़ा आएगा काफ़ी अपन को। ये पता नहीं क्या बना हुआ है, तो ये बच्चों के लिए बोटिंग का भी बना हुआ है, बच्चे लोग यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, बड़ों के लिए हॉर्स, फिर वो गाड़ी का राइडिंग, और क्या क्या अंदर,
जिप लाइन करनी है। हो जाएगा मेरे मालिक। कितने रुपए में होगा? जो हो जाएगा सर 200 रुपए में आपका कपल का। करवा दो यार। करवा देंगे मालिक आपको। करवा दो यार। ये वाला ये माता माता के ना यहाँ से सामने जाओगे आप। हाँ फिर सामने से वापस टेबल पे छोड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे ना। पहुँचू? आप पहुँचो। इधर से इधर से भैया। किधर से जाना है? ऊपर। किधर से? टोकन टोकन टोकन। पैसे पहले दूँ? पकड़ो ये आ गया टोकन 200 रुपीज का जिप लाइन का। पकड़ो पैसे दे दूँ। चलो अपना तो चलते अपन जिप लाइन करने। चला आ जाओ। वो ले गया बेल्ट वगैरह सब वो ले गया। तो शिवानी तो चलते अपन फटाफट ऊपर। मजा आने वाला है आज तो भाई अपन को सेट कर रहा है एकदम बढ़िया वाले तरीके से। बेल्ट वगैरह लगा रहा है। अब नंबर शिवानी का लाओ। ऊपर ले लो कमर तक ले लो उसको। तो यहाँ से हम जाएंगे फिर वहाँ तक। ओके ओके रेडी? यस। डोंट वरी ओल 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 मजा आया। खड़े हो जाओ उसको। ओके आराम से। मम्मी मजा आया लेकिन ना अब यहाँ से नीचे उतरो। हाथ में तो दोस्तों मजा आ गया हमें एडवेंचर पार्क में। हमने मस्त जिप लाइन राइडिंग करी। काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को इस पर। मैंने तो फर्स्ट टाइम करी और शिवानी ने भी फर्स्ट टाइम करी। हम दोनों का फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम तो ऐसे लग रहा था मतलब थोड़ा डर से लग रहा था। फिर तो एकदम मज़ा आ गया था मतलब एकदम ज़बरदस्त वाला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल। होटल से एकदम फटाफट फ्रेश होंगे 10-15 मिनट में जाएंगे सनसेट देखने। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बिकॉज़ ये व्लॉग भी लंबा हो जाएगा ज़्यादा तो इसको मैं ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा। आपको अब डायरेक्ट दिखाऊंगा मैं सनसेट। और टाइम भी देखो काफ़ी सूरज ढलने वाला है। ये पता होना अपने पहुँचे और सनसेट डूब जाए। ओके गाइस तो फटाफट पहुँचते हैं होटल और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना।